था, क्योंकि आप देख लीजिए जाकर के असम रिफल के मेरिट लिस्ट, क्योंकि टेक्निकल सीट कितना फुल हुआ है। बस नहीं करिएगा, एक सीट पे एक एक कैंडिडेट इकलौता ही रहता है, कोई कोई ऐसा भी पोस्ट रहता है कैंडिडेट। हवलदार क्लर्क इस बार भी सीट खाली गया है। जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी पर। तो जैसे कि मैंने कोई एक वीडियो बनाया था, इसमें एक भाई ने कहा कि भाई तुम जो है कि डीमोटिवेट कर रहा है। मैंने उस वीडियो में क्या बताया था, ये बताया था ना कि यदि आप ट्रेडमैन से हैं और आपका घर दूर है, बहुत दूर है, तब मत जाइए। पढ़ाई अच्छा है तभी जाइए, पढ़ाई अच्छा नहीं है तो मत जाइए, झूठ मूठ के पैसा का बर्बादी होगा। क्या मैंने गलत बताया था, आप सब बताइए कमेंट करके। यदि आपका घर मान लो महाराष्ट्र में है, साउथ एरिया की तरफ है, मतलब केरला, हैदराबाद, सिकंदराबाद इधर में है, राजस्थान, हरियाणा इधर में है, और आपका पढ़ाई अच्छा नहीं है, मैंने यही कहा था पढ़ाई अच्छा नहीं है अब भी मैंने कहा था, तो आप मत जाइए। आपका पढ़ाई अच्छा है तो मैंने कहा था कि आप ज़रूर जाइए, ये भी मैंने कहा था उस वीडियो में, मैंने गलत नहीं बताया था। किस्मत अजमाने के लिए भाई असम रिफल आपको पता ही होगा एक दो सीट रहता है, और इतना दूर जाकर के पैसा को बर्बादी करना सही नहीं है। यदि आप बड़े घर से हैं, बड़े माँ बाप के बेटे हैं, रईसी है, पैसा है आपके पास ज़्यादा, तो जाइए। और नहीं तो भाई पैसा नहीं है, गरीबी में आटा गील करने के लिए आप जा रहे हैं उतना दूर, जो बात है क्लियर मैं बोलता हूँ। मुझे जो है कि झूठ मूठ का दिखावा नहीं चाहिए भाई, मैं दिखावा नहीं करता हूँ कि हाँ भाई जाइए एकदम से जाके कबाड़ के आइए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप भर्ती में जा रहे हैं तो जो है कि सोच समझ के जाइए, तैयारी अभी बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया है, रनिंग बढ़िया है, तो जाइए, बिना मतलब का है जो है कि जाने का ज़रूरत नहीं है। रनिंग तो लगभग सभी निकाल ही लेंगे, रनिंग निकालने के बाद सबके मन में यह उम्मीद हो जाता है कि मेरा जो है कि एग्ज़ाम बाकी है। एग्ज़ाम का मतलब पढ़ाई सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में दोबारा जाते हैं, पहला बार खर्चा करके आप दूर से जाइएगा 2-3 हज़ार खर्चा लगेगा आपको जाने में फिजिकल में, फिर रिटर्न में जाइएगा उसमें 2-3 हज़ार लगभग खर्चा लग जाएगा। तो इतना पैसा लगभग ले दे के आपका दो बार जाते हैं तो लगभग लगभग 5-6 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाएगा, और 5-6 हज़ार भाई कमाने में कितना मुश्किल होता है। जो किसान के लड़के हैं, जो मजदूर के लड़के हैं, उन लोगों को समझ में आएगा। जो भाई रईसी है जिसका मतलब पैसा कोई कमी नहीं, उसके लिए बातें अलग है, उसके लिए वीडियो नहीं है। और एक मेरिट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि टेक्निकल डिग्री है आपके पास तो आप ज़रूर जाइए। क्यों कहा था, क्योंकि आप देख लीजिए जाकर के असम रिफल के मेरिट लिस्ट, क्योंकि टेक्निकल सीट कितना फुल हुआ है। टेक्निकल सीट जो है कि भाई फुल नहीं होता है, आप विश्वास नहीं करिएगा, एक सीट पर एक एक कैंडिडेट इकलौता ही रहता है, कोई कोई ऐसा भी पोस्ट रहता है एक सीट पर इकलौता कैंडिडेट। हवलदार क्लर्क इस बार भी सीट खाली गया है, और जिसको फेक लगता है पुराना मेरिट लिस्ट उठा के देख ले भाई कितना हवलदार का सीट था और कितना सीट खाली गया है। तो जो है कि मैं फेक नहीं बताता हूँ, टोटल जेन्युइन और सही जानकारी आपको देता हूँ। तो बस इतना ही कहेंगे भाई, थोड़ा गाना का आवाज़ आ रहा होगा, बुरा मत मानिए, गणेश पूजा का टाइम है, चारों तरफ स्पीकर बज रहा है। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी अच्छी लगी सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।